भारत के पूर्व बल्लेबाज और अब मौजूदा कमेंटेटर संजय मांजेकर ने उन तीन क्रिकेटरों को चुना है जो इंडियन प्रीमियर लीग के अगले तीन सीजन में आरसीबी के कप्तान के रूप में विराट कोहली की जगह ले सकते हैं। कोहली पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आईपीएल का मौजूदा सीजन आरसीबी कप्तान के रूप में उनका आखिरी सीजन होगा। कोहली ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया है कि वो आरसीबी के लिए एक खिलाड़ी के रूप में खेलना जारी रखेंगे। भारतीय कप्तान ने इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की टी20 इंटरनेशनल में भी कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एवी डेविलियर्स कोहली से आरसीबी की कप्तानी संभालने के संभावित उम्मीदवारों में से एक के रूप में उभरे हैं, लेकिन मांजेकर को लगता है कि आरसीबी मैनेजमेंट को भविष्य देखना होगा और किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो कम से कम 3-4 साल के लिए अपना सब कुछ दे सके। ESPN क्रिक इन्फो से बात करते हुए मांजेकर ने कहा कि विराट के बाद टीम की कमान संभालने में मैनेजमेंट को किरण पोलार्ड, सूर्य कुमार यादव और डेविन वार्नर में भी किसी एक को चुन सकता है।